हेलो गाइस, आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। और आज हम बनाने वाले हैं अपने विलेजर के लिए एक न्यू विलेज। जी हाँ दोस्तों, आज मैं अपने विलेजर के एक न्यू विलेज बनाने वाला हूँ पूरा। तो गाइस, मैं न्यू विलेज क्यों बना रहा हूँ, चलो गाइस मैं वो आपको दिखा देता हूँ कि मैं न्यू विलेज क्यों बना रहा हूँ। क्योंकि ऐसे बोलूँगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो चलो गाइस, मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि मैं न्यू विलेज क्यों बना रहा हूँ। उसके लिए हमें आगे चलना पड़ेगा। तो गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने पूरा एक रास्ता बनाया है उस विलेज तक जाने के लिए, पुराने वाला विलेज। अभी ये विलेज रहा नहीं है गाइस, आप लोग देख पा रहे हैं पूरा टूट फूट गया है। दरअसल यहाँ पर यह हुआ कि यहाँ पर विलेज था गाइस मेरे घर के पास, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पेड़ भी थे और पूरा जंगल था। इसीलिए गाइस इस वीडियो में बहुत सारे विलेजर मर जा रहे थे कि वो ज़ॉम्बीस मार दे रहे थे। तो गाइस इसलिए मैंने सोचा कि इन सारे पेड़ को एक एक कट करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मैंने इन सारे पेड़ के अंदर TNT लगा दिए, कम से कम 20-25 लगा दिए, और मैंने उसको फोड़ दिया गाइस। लेकिन मुझे नहीं पता है कि इतना ज़्यादा फूट जाएगा और इसमें पूरा विलेज ही टूट फूट गया गाइस। तो गाइस इसीलिए मैंने सोचा कि अपने विलेजर को एक नया विलेज गिफ्ट करते हैं, जो कि हमारे कैसल के साइड में बनाने वाले हैं। गाइस जल्दी से आपको ले चलता हूँ उस जगह पर जहाँ पर हम अपने विलेजर के लिए न्यू विलेज बनाने वाले गाइस। तो गाइस ये आप देख पा रहे हैं ऐसा बॉक्स टाइप, ये भी मैंने वही विलेजर को यहाँ पर कैद कर रखा है जो कि उस वाले विलेज में थे। उस वाले विलेज में सिर्फ 2 या 3 विलेजर बचे थे और उनको यहाँ पर मैंने ला कर इसके अंदर कैद कर दिया। और ये वो सारा सामान जो हम विलेजर के घरों में यूज़ करने वाले गाइस। तो चले गाइस इस सामान को ले लेते हैं थोड़ा बहुत। और गाइस अभी सैंडस्टोन बहुत ले लिया, अभी थोड़ा सा प्लैंक्स भी ले लेते हैं। और गाइस ये सैंडस्टोन बहुत आसानी से बन जाता है सैंड को गर्म करने के बाद फर्नेस में। और गाइस ये प्लैंक्स भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो चले गाइस जल्दी से अपने विलेजर हाउस का बेस बनाते हैं पहले। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कहाँ से शुरुआत करें। तो गाइस यहाँ से हम अपने विलेजर का घर बनाना शुरू करते हैं जल्दी से। यहाँ पर मैंने 3 ब्लॉक रख दिए। चलो गाइस पहले काउंट कर लेते हैं, 2, 3, 4। जी हाँ गाइस 4 ब्लॉक रख दिए और ये 5। गाइस अभी हमें यहाँ से भी 5 रखने हैं। यहाँ से मैंने 5 रख दिए, 2, 3, 4, 5। तो गाइस ये एक एक्स्ट्रा हो गया, इसको तोड़ देते हैं। और गाइस अभी हमें यहाँ से भी 5 रखने हैं, हमें पूरा 5 5x5 का बनाना है। तो चले गाइस यहाँ पर भी मैंने 5 रख दिए और यहाँ पर भी रख देते हैं जल्दी से। गाइस आप लोग देख पा रहे हो हमारे विलेजर के घर का बेस बन गया है। तो गाइस अभी जल्दी से इन सबको ज्वाइन कर देते हैं जो यहाँ पर गैप दिख रहा है। और गाइस अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो अभी तक देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस ये हमें यहाँ से लगाने हैं पूरे में। तो चलिए गाइस जल्दी से मैं पूरे में लगा लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत बोरिंग सा काम है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो चले गए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो मैंने पूरी दीवार बना दी है चारों साइड से। और गाइस अभी वो ऊपर की एक लाइन एक्स्ट्रा लग गई, उसको हमें तोड़ना पड़ेगा ऊपर जाकर। तो चले गए जल्दी से यहाँ पर डर्ट लगा कर चलते हैं ऊपर। यहाँ पर भी लगाते हैं डर्ट। तो चले गए हम ऊपर आ चुके हैं और जल्दी से इसको भी तोड़ देते हैं। तो गाइस मैंने इस पूरे को तोड़ दिया जो एक्स्ट्रा लगा था।
और गाइस अभी हम यहाँ पर भी इसको भी तोड़ देते हैं बीच वाले लाइन को, क्योंकि यहाँ पर हम ऑरेंज प्लैंक यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि वही हो रहेगी हमारे विलेजर हाउस की थीम। तो गाइस जल्दी से ये तोड़ लेते हैं पूरा। और गाइस हमने यहाँ पर पूरा तोड़ दिया ये ब्लॉक, इसको भी तोड़ देते हैं। और गाइस अभी हम यहाँ पर लगाते हैं ऑरेंज प्लैंक्स। तो चले गाइस जल्दी से इस पूरे में ऑरेंज प्लैंक लगाते हैं। और एक गलत लग गया, इसको बाद में तोड़ेंगे गाइस, पहले लगा लेते हैं। यहाँ पर भी पूरे में लगा देते हैं जल्दी से। तो गाइस यहाँ पर ये डर्ट बीच में आ रही है, यहाँ पर लगाते हैं और इस डर्ट को तोड़ते हैं गाइस। और अब यहाँ पर भी लगा देते हैं। तो गाइस अभी इसको भी तोड़ देते हैं जो एक्स्ट्रा लगा था। तो चले गाइस हमने पूरे में लगा दिया है गाइस। पास से ऐसा क्यों दिख रहा है गाइस? ओ गाइस मैंने यहाँ पर ये सामने वाला इस साइड का करना ही भूल गया, इसको भी तोड़ते हैं जल्दी से। और गाइस अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस अभी जल्दी से यहाँ पर भी ऑरेंज कलर के प्लैंक लगा देते हैं। और हमने ये पूरे में लगा दिए गाइस। चलिए ऊपर चलते हैं डर्ट लगाकर और फिर ऊपर से करते हैं। चलिए गाइस यहाँ पर डर्ट लगाते हैं। और गाइस रात हो रही है, मैं सोच रहा हूँ सुबह करते हैं क्योंकि रात में ज़ॉम्बीस आ सकते हैं, इसीलिए चले गाइस अपने बेड पर जाकर सो जाते हैं। चले गाइस सुबह हो गई है, अभी दोबारा हम चलते हैं अपने घर के पास, अपने नहीं विलेजर के घर के पास। कुछ ऐसा दिख रहा है हमारे विलेजर का घर। अभी यहाँ पर और मैं डेकोरेशन करूँगा, इसकी पूरी सीरीज़ होने वाली है गाइस ये विलेजर की घर की, क्योंकि ये एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता गाइस, इसलिए इसके बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। तो गाइस आप लोग देखते रहना सारे पार्ट। तो गाइस अभी जल्दी से यहाँ पर लगाते हैं प्लैंक्स, पर ये गलत लग गया, यहाँ पर नहीं लगाना, इसको तोड़ते पहले। नहीं टूट क्यों नहीं रहा? चलो गाइस दोबारा तोड़ते हैं। चले गाइस अभी हमें यहाँ से एक ब्लॉक छोड़ कर लगाना है गाइस, यहाँ से लगाते हैं हम, और ऐसे ही हमें पूरे में लगाना है। तो गाइस यहाँ पर हमने लगा दिया और उस एक ब्लॉक पर नहीं लगाना है, और अभी यहाँ से भी एक ब्लॉक छोड़ कर लगाना है। और गाइस अभी यहाँ पर बीच में एक ऑरेंज प्लैंक, नहीं ये गलत लगा दिया, सैंडस्टोन लगा दिया मैंने गलती से, यहाँ पर ऑरेंज प्लैंक आएगा। तो गाइस अभी हमने पूरा लगा दिया है, अब चलिए गाइस जल्दी से इस साइड भी ऐसे पूरा लगा देते हैं। तो चले गाइस यहाँ पर भी मैंने सारे लगा दिए और ये एक्स्ट्रा लगे इसको तोड़ देते हैं। तो गाइस आप देख पा रहे हो मैंने दोनों तरफ ऐसे डिज़ाइन बना दिए। तो गाइस अभी चलते हैं बाहर और बाहर से कैसा दिख रहा है देखते हैं। तो चले गाइस अभी यहाँ पर मैंने स्टेयर्स भी लगा दिए, स्टेयर्स भी मैंने दो कलर के लगाई है, ऑरेंज और सैंडस्टोन की, ऑरेंज प्लैंक की और सैंडस्टोन की। गाइस आप देख पा रहे हो कितना अच्छा दिख रहा है पूरा हमारा घर। मैं बार बार हमारा क्यों बोल रहा हूँ, विलेजर का घर गाइस। अगर ऐसे अंदर से बहुत बड़ा है, जो जितने भी विलेजर के घर होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी इसके बाद हम भी छोटे घर बनाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। अभी एक बना लिया तो इसको बना ऐसे ही रहने देते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से मैं ऐसे ही सारे घर बना देता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने सारे घर बना दिए, और गाइस ये घर आप देख पा रहे हो मैंने उससे छोटे बनाए, और यहाँ पर मैंने गेट भी येलो ऑरेंज कलर के लगा दिए, आप देख पा रहे हो। और गाइस यही वो घर है जो हमने बहुत बड़ा बना दिया था ले, और ये भी मैंने बड़ा बना दिया क्योंकि ये उसके सामने ये छोटा बनाएंगे तो ये अच्छा नहीं दिखेगा इसीलिए। और गाइस जल्दी मैं इसको तोड़ने वाला हूँ, और यहाँ पर भी ऐसे लाइन बनाने वाला हूँ जैसे उस साइड है।
लेकिन उससे पहले अगर मैं अभी इसको तोड़ दूंगा तो सारे विलेजर भाग जाएंगे, इसलिए मुझे यहाँ पर पूरा इनका वर्क स्टेशन बनाना है और फिर हम इसको तोड़कर वो विलेजर यहाँ पर काम करने लगेंगे और वो रात को जाकर घर में सो जाएंगे। तो चले गए, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं पार्ट टू में, और पार्ट टू में हम वर्क स्टेशन बनाने वाले हैं और बहुत कुछ डेकोरेशन करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक